दुर्बला हम चिरं यातः पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृंदावनं पुनः प्राप्यं नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सैम्य प्रेष्टरूपात् कहते हैं मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण करते, कहीं मान कहीं सम्मान, गुर्जर गुजरात इत्यादि में भ्रमण करते हुए मेरा आगमन वृंदावन में हुआ। वृंदावन की भूमि में कलयुगी के प्रभाव से मेरे दोनों युवा पवत अचेत हो गए, मेरे दोनों युवा पुत्र मूर्छित हो गए और मैं वृद्ध से फिर से युवा हो गया। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं इन्हें चैतन्य करूं। देव ऋषि नारद ने देखा है रिद्धि सिद्धि सारे लोग वहां बैठकर उसे चैतन्य करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं। कोई कान में गुरु गायत्री का जप कर रहा है तो कोई गायत्री महामंत्र का जप कर रहा है, कोई वेद की सूक्तियां सुना रहा है तो कोई स्तुति कर रहा है, लेकिन भक्ति कारण जानना चाहती है कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र अचेत हो गए, वृद्ध हो गए और मैं वृद्ध से युवा। इस कार्य का निदान तो महाराज एक संत ही कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कि संत का सानिध्य मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत का सानिध्य मिलता कहां है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे धरो कोटि नयति समान। संत के द्वार पे अहंकार त्याग के जाना चाहिए, गुरु के द्वार पे सम्मान की इच्छा रख के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु आपकी सेवा क्यों करेगा भैया, आप कौन लगते हो। एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा कर रहे थे, एक लाला जी आए कहे महाराज आप मुझे शिष्य बना लो। मैंने कहा पक्का निर्णय है, कहे हां जी पक्का निर्णय है। मैंने बोला पक्का है सोच ले विचार कर ले थोड़ा सा। बोले नहीं आप तो पक्का निर्णय है मुझे शिष्य बना लो। मैंने कहा कितने की संपत्ति होगी और परिवार कितना है, के घर में एक बेटा है ना, मैं हूं, 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। मैंने कहा 3 हिस्सा लगा ले। इतने में तो लाला जी का होश खो गया। स्वामी जी कल तो व्यासपीठ पे कह रहे थे कि मैं कथा करता पैसे नहीं लेता, मैं वेद विद्या को बेचता नहीं, आ गई ना तुरंत बात 3 हिस्से की। फिर हमने उसे समझाने की कोशिश की, मैंने कहा लाला अभी तू कह रहा ना कि 15 करोड़, अगर तेरा शरीर छूट जाए तो इसमें से कितना छू सकता है। बोले जी कुछ ना कर सकू। बोला जो तेरा है नहीं तू उसे छू नहीं सकता, तुझे इतनी ममता है, और जो माँ बाप का घर छोड़कर 40 साल में साधना करी वैसे फ्री में दे दू, तुझे पागल नजर आता हूं क्या। साधक के साधना करो, समर्पित हो जाओ, गुरु को दौलत की जरूरत नहीं होगी। गुरु को दौलत की कहां जरूरत है, समर्पित भाव की जरूरत है, नहीं तो भैया गुरु ने करा जब और जोर से मारी फूक, गुरु बिचारा का करे जब चेले में है चूक। साधना करे कह दी जाप कर लियो, शाम को पार्टी मनाने लगे तो नरक में जाएंगे दोनों गुरु और चेला। तो ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जा। गुरु का सानिध्य संत का सानिध्य इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम हमारे जो संत है आज हम लोग थोड़ा दिशाहीन हो रहे हैं। सनातन धर्म प्रेमी माफ करना मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, क्योंकि हम कुछ चीजों को बिना जाने अपना बैठते हैं। गुरु करे जान के पहचान के और पानी पिए छान के
नहीं पानी का टीडीएस ज्यादा रहा तो जॉइंटिस हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा। हमारे ऊपर अंकुश की जरूरत है, भय और भ्रम की जरूरत है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। हम साधना करते हैं, हमने अपने ठाकुर की सेवा बंद करके भक्तों की सेवा में लग गए। अब यही तो गड़बड़ हो गया ना। हमें लगा कि भाई हमारा राजू आ रहा है, 50,000 डोनेशन दिया था, अगर उसे पनीर नहीं मिला तो अगली बार नहीं। माता मेरे बाप का क्या बिगड़ता, हम उसकी सेवा में लग गए, हम इसकी सेवा, इसलिए हमें इसकी सेवा करनी है। एक संत के समक्ष जब उसका भक्त आए तो उस संत का काम बनता है कि उसकी मंगल कामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे, परमात्मा से साधना करे। इसलिए ईश्वर के चरणों में आने में ही है। अगर हम तुम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा कभी नहीं करेगा। भक्ति जानना चाहती है। देवऋषि नारद ने कहा कि देखो वृथा खेदे से वाले, संत यही कहेगा ना, वृथा खेदे से वाले, बिना मतलब की चिंता कर रही हो, अब चिंता छोड़ के हरि नाम का चिंतन। मैं अक्सर कहता हूं कि बंद दरवाजों पे आवाज लगाया न करो, कि बंद दरवाजों पे आवाज लगाया न करो, अरे ये लोग बहरे हैं, इन्हें दिल की सुनाया न करो। और वक्त के आधियां जाने कहां पे ले जाएं, इसलिए रेत पे तस्वीर बनाया न करो। जैसे बंद दरवाजे पे आवाज लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसे इस दुनिया के आगे रोने से कोई लाभ नहीं होगा। कौन पोछेगा आंसू इस बस्ती में तेरे, यहां तो दामन सबके पहले से ही गीले। किसके आगे रो रहे हो आप, कौन सुनने वाला है? अरे उसके आगे रो जिसने देने के लिए द्वार खोल रखा है। ऐसे लोगों के आगे क्यों लेते हो जो देने के लिए द्वार बंद कर देते हैं। चिंतन करो, चिंता छोड़ दो भक्ति। अब भक्ति कोसने लगी है, क्योंकि देव ऋषि नारद ने बता दिया कि कली को जगह महाराज परीक्षित ने दिया है। अब अगर कोई बालक नुकसान कर दे तो वो नुकसान करे गाली मां बाप को खानी। आज भक्ति भी वही कर रही है कि कथम परीक्षितम राज्ञा अस्थापितो हा सुचि कलि प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः पुत्र गतो महान करुणा परेण हरिराप्य धर्म कथमीक्षते इमं मे संशयः सिन्धिः त्वदा च सुकृतान्यः। अरे देव ऋषि नारद, राजा परीक्षित ने इसलिए कलयुग पापी को क्यों रहने दिया? अगर ये कलयुग रहता नहीं तो मेरे पुत्रों की ये दशा नहीं होती। इसको तो छोड़ देना चाहिए, इसको जगह ही नहीं देना चाहिए। अब भैया आप ही बताओ, अगर सौदा होता है तो आप घाटे का सौदा देखोगे या फायदे का? नहीं तो लाला जी बात होगी, एक लाला की होने लगी फांसी। लोगों ने कहा भाई बता, तुझे सूली दे दूं या फांसी? बोले जी बस जिसमें 2 रुपए का फायदा हो वही दे दो। उसे नहीं पता कि सूली फांसी एक ही बात हो, उसे तो सिर्फ 10 रुपए का पता। ना जी सूली दे दूं या फांसी? बोले ना जी जिसमें 2 रुपए का फायदा हो वही दे दियो। यहां पर देव ऋषि नारद ने उस बात को समझाने की कोशिश की कि यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधितः। कहते हैं जब कलयुग आया था तो परीक्षित ने पूछा तुम्हारे लाभ क्या है और हानि क्या है, तुम कहां कहां रहोगे? उसने कहा पहला मेरा असर खुद ही देख लो। कहा मैं शराब में रहूंगा, द्रुत में रहूंगा, सुरा में रहूंगा।
और सोने में रहूंगा। तो परीक्षित मेरा असर देख लो, क्योंकि तुम्हारे सिर पे सोने का मुकुट पहले से। और परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये तुम्हारे लाभ क्या है तो यहां बता रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम्। कलयुग ने कहा कि जो तपस्या 84,000 वर्ष करने के बाद फल मिलता है, 12 वर्ष सन्यासी के साधना के बाद मिलता है, कलयुग में वो फल मैं सिर्फ संकीर्तन मात्र से दे दूंगा। संसारिक प्रपंच से व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 2 पल के लिए मुक्त होता है। तो ऐ भक्ति, परीक्षित ने सोचा कलयुग में चंद पल संकीर्तन से लाभ होगा। उन्होंने उस फायदे को दृष्टि में देखा, लोगों का तारण होगा, लोगों की मुक्ति होगी, इसलिए उसे जगह दे दिया। खैर, तुम हरि कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो, लाभ मिले। यहां कहां गया कि दो बार द्वारिका धाम, 3 बार त्रिवेणी नाथ, 4 बार फल जो मिले, 4 धाम जाए। जय जय फल मिला ही तो तीर्थन में जाए से, ते ते फल मिलते हरि गुण गाए। हरि स्मरण मात्र से मिल जाएगा। परीक्षित ने इस चीज को देखा, जब कलयाग आएगा, कली आएगा तो इंसान की आयु कम हो जाएगी, ब्राह्मण ब्रह्म विद्या से विमुख हो जाएगा, क्षत्रिय संरक्षण से विमुख हो जाएगा, नीति राज में बदल जाएगी, धर्म को लोग भूल जाएंगे, आडंबर करेंगे, सत्य का निरादर होगा। ऐसी स्थिति में कम समय हरि चरणों में समर्पण या मधुर संकीर्तन से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से कलयुग को उन्होंने रहने दिया। तो कलयुग में किसके बस की है 12 वर्ष व्रत करना, उपवास करना। 2 प्रहर की कथा होती है श्रीमद् भागवत कथा की, नियमता 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को। अब तो 3 घंटे में ही करना पड़ रहा है। नतीजा, समय नहीं है। घर में बैठ के खुट, अरे वो तो ऐसी, हाँ अरे वो तो ऐसी, उसके लिए बहुत टाइम है, पर हरि चरणों में आने के लिए टाइम, क्योंकि यहां तुम आ ही नहीं सकते ऐसे, क्योंकि हर कोई नहीं आता यहां। वो तो जिसकी कृपा बरसती है वही आता है, बाकी तो दरवाजे से लौट जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी आप कथा करने जा रहे हो, भीड़ नहीं रहेगी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको श्रवण करना है वो महाराष्ट्र से हरियाणा में आके कथा सुनेगा, और जिसके भाग में नहीं है, पाप का पुंज है, वो व्यासपीठ पे आरती करके भी भाग जाएगा। हुआ क्या, एक बार एक आदमी के घर एक साधु बाबा ने जाकर के खीर खाया, बड़ी रोचक कथा है लाला जी। खीर खाया और लाला जी के गड्डी में जो सेंट था उसकी गड्डी में से ऐसे जी 10,000 की एक गड्डी खीसे में रख ली। सेठ ने अपने नौकरों को चालू किया, ए चोर है तू, तूने 10,000 निकाल लिया। रात बीती, सुबह बाबा आया, बोले जी नमो नारायण, क्या हो रहा है? बोले देखो जी, मैंने इनको इतनी सुविधा दी, फिर भी इन्होंने कल 10,000 की गड्डी चोरी की, पर किसने की है पता नहीं। बोले चोरी तो मैंने की, ये पड़ी 10,000 की गड्डी। सेठ जी, ये 10,000 की गड्डी मैं चुरा के ले गया। तो बोले गुरुजी आप? बोले हाँ। बोले आप चोरी भी करो? बोले चोरी तो कर ली थी, पर वो अन्न का असर खत्म हो गया, तब होश आ गया, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। सेठ तुन्नु बता दे मुझे कि जो चावल की खीर खिलाई थी वो चावल कहां से लाया था? कहें जी राशन वाले 2 नंबर के चावल थे। तो कह जब वो चोरी का धन खाया तो चोरी मेरी वृत्ति बनी। को ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो ये नीचे अन्न खाए से, ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो ये नीचे अन्न खाए से,
कुल कर है नास हो या ब्राह्मण सताए, कहे संस्कार भ्रष्ट हो या मदिरा के पाए से, मिल जाए मोक्ष दाम हरि के गुनेगा। भक्ति को बार बार देव ऋषि नारद समझा रहे हैं और भक्ति से कहते हैं हरि नाम संकीर्तन करो। सारे लोग संग कीर्तन यानी सारे लोग मिलकर कीर्तन करें उसको कहते हैं संग कीर्तन। आए चंद पल आप लोग भी कीर्तन करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव राजू जी मेरे साथ ऐसे समय का भार नहीं रहते। देव ऋषि नारद ने भक्ति को बार बार समझाया और फिर भी भक्ति के समझ में बात नहीं आई है। अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, कभी गीता कभी वेदों की सूक्तियां, आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि देव ऋषि नारद प्रयत्न करो, प्रयत्न सार्थक होगा, लेकिन क्या प्रयत्न करना ये नहीं बताया है। आज प्रथम दिवस है, ऐसे मेरी कथाओं में समय का भान रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी
आप लोगों के साथ सांसारिक कर्म भी हैं। कथा इस समय विश्राम की ओर है। यहां पर देव ऋषि नारद ने भक्ति को वेदोपनिषदाम सारज्जातः भागवते कथा अत्युताम ततो भाते पृथग भूत फला। देव ऋषि नारद ने